दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब वो प्यार आपके दिल से होते हुए दिमाग पर चढ़ जाए तो वो जहर बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है स्मिथ नाम के आदमी से, जिसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन यहाँ उसके सर पर काफी गहरी चोट आई है। ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा, पर उसे इतना जरूर कह सकते हैं कि इस समय वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। कहानी थोड़े समय आगे पहुंचती है, जहां पर हम स्मिथ को नेचर कोव नाम की जगह पर जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसके छोटे भाई का एक छोटा सा घर है और यहां वो कुछ पल अकेले गुजारने के लिए सुकून से आया हुआ है। अब बीच में उसे एक रेंजर मिलता है जो उसे उसकी मंजिल तक छोड़ देता है, लेकिन वो उसे पूछता है कि आप यहाँ करने के आए हो, तो स्मिथ कहता है कि वो अपनी जिंदगी से थक चुका है, इसलिए उसे कुछ पल नेचर के बीच में चाहिए, शहर से दूर। लेकिन वो रेंजर उसे सावधान रहने को कहता है कि घर के सारे गेट्स और विंडो को लॉक करके रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदर है। वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने पर वो सबसे पहले तो ड्रिंक करता है और फिर कुछ समय के बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर पर उसकी नज़र एक बीच पर पड़ती है जहाँ पर एक फैमिली नहा रही थी, जिसमें एक लड़की भी थी। अब ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग आखिर खुले में क्यों नहा रहे और साथ में भी, और तभी वो लड़की उसे देख लेती है, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। खैर, अब उसे इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर उसके अलावा और भी लोग रहते हैं। कुछ समय के बाद रात हो जाती है, स्मिथ इस पूरे घर में अकेला है, इसलिए उसे अब अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगती है। उनके बारे में वो सोच कर रोने लगता है और चीख चीख कर खुद को इन सब का जिम्मेदार बताता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही वो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन बीच में उसकी आंख लग गई, जिस वजह से कार खाई में जा गिरी। उसकी लापरवाही की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, पर लकीली वो कैसे भी करके यहाँ पर जिंदा बच गया। लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगा उसके सीने पर ये बोझ हमेशा बंधा रहेगा। अगर वो उस दिन सोता नहीं तो आज शायद अपने परिवार के साथ खुश होता, लेकिन उसके किस्मत की किताब के दूसरे पन्ने में एक दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, जो उसके लिए काफ़ी खुशियां लाने वाला है पर उसे दुगना दर्द भी देगा। खैर, अगली सुबह वो वॉक के लिए निकल जाता है, पर वापस आते समय उसे घर के पास किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। वो करीब जाता है तो देखता है कि बोर्ड के अंदर कोई रो रहा है। वो उसे आवाज़ लगाता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है, जिसे स्मिथ पहचान लेता है क्योंकि ये वही थी जो उस बीच पर अपनी फैमिली के साथ नहा रही थी। अब वो उससे वजह पूछता कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। लेकिन वो उसे कुछ जवाब नहीं देती और पीछे हट जाती है। यहाँ स्मिथ को उसकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि क्या पता उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। लेकिन वो उसे खुद से दूर जाने के लिए बोलती है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस पर ही सारा इल्ज़ाम लगा देगी कि उसी ने उसे मारा है, और इसलिए स्मिथ उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर है तो मुझे बोल दो, मे बी मैं हेल्प कर दूँ। वो लड़की उसे वाइन की बोतल लाने को बोलती है तो स्मिथ पास वाले शॉप से दो वाइन की बोतल लेकर आता है, लेकिन बीच में उसे वो रेंजर फिर से मिलता है जो उसे बहुत ही स्केरी वे में डरावनी तरीके से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो स्मिथ हाँ में जवाब देकर वापस आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो गेट पर वो लड़की नहीं थी, इसलिए वो अपने घर आ जाता है और अपने डोर पर देखता है कि उस लड़की की कैप टंगी हुई है। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो शायद वही बता सकती है, मे बी वो स्मिथ से दोस्ती करना चाहती हो, या फिर ये उसका किसी तरह का मैसेज हो कि वो यहाँ से भागना चाहती हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय के बाद रात हो जाती है तो स्मिथ खाने के लिए टेबल पर बैठता है, लेकिन उसी समय उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई घर के अंदर बंदर घुस गया और इसीलिए वो उसे मारने के लिए धीरे धीरे करके गेट के पास जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी बंदर नहीं था और इसलिए वापस आकर सो जाता है। लेकिन जब से वो इस घर में आया है तब से लेकर आज तक उसे अच्छी नींद कभी नहीं आई है, क्योंकि हमेशा उसे अपनी फैमिली की याद सताती रहती है। अगली सुबह वो एक बार फिर से बीच पर जाता है, जहाँ उसे एक बच्ची बैठी हुई मिलती है। उसे देखकर वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है कि कभी किसी समय पर वो भी अपनी बेटी के साथ ऐसे ही समय बिताया करता था। अब उसका ये रोज़ का रूटीन हो चुका था, वो ऐसे ही अकेले बैठकर खुद की गलतियों को सोचता रहता था, और इसी दौरान वहाँ पर वो लड़की एक बार फिर अपने परिवार के साथ आ जाती। लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी से डरी हुई है। अब स्मिथ उसे उसके चोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। उल्टा उसके डैड तो उसे बहुत ही गलत तरीके से मारते हैं और उसे पूछते हैं कि ये कौन है। उनका ये बिहेवियर देखकर स्मिथ को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो उनकी फैमिली मैटर में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए वो घर आ जाता है। पर रात होने पर उस लड़की के डैड उसके घर आते हैं और उन्हें वहाँ देखकर स्मिथ हैरान था, क्योंकि उसने इस चीज़ की उम्मीद कभी नहीं की थी। खैर, वो उन्हें अंदर आने को बोलता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अब बातों बातों में वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और अपनी बेटी का नाम एली। स्मिथ उसे उनकी वाइफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है,
तो जॉन बताता है कि मैं और मेरी फैमिली इस एरिया में हम लोग सबसे पहले आए थे और यहीं पर हमने अपने परिवार को बढ़ाया। लेकिन एक दिन जब हम लोग घर में एंजॉय कर रहे थे, तभी कुछ लोग, कुछ गुंडे घर में घुस जाते और उन्होंने हम सभी को बंदूक की नोक पर रखकर सारे सामानों को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उसके करीब जाने लगे, उनकी नीयत खराब हो गई। मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करी और इसी चक्कर में उन लोगों ने उसे जान से मार दिया। बात खत्म होने के बाद जब जॉन स्मिथ से उसके बारे में पूछता है तो वो बात को पलट देता है, क्योंकि अपनी स्टोरी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। लोग आपकी कमजोरियों से जान लेते हैं और फिर वो आपके खिलाफ उसे गलत इस्तेमाल करते हैं, यही सोचकर स्मिथ चुप रहता है। वह अगले दिन स्मिथ शॉप पर अपने घर के लिए कुछ सामानों को खरीदने जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर एली उसे अपनी कार में बैठकर देख रही है, और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती। अब घर पर आने पर उसे एक लेडी मिलती है जो बाहर खड़ी हुई थी। वो उसे पानी के लिए पूछती है तो वो उसे घर के अंदर ले जाता है और वहां पानी दे देता है। पर वो उसे पूछती है कि अगर तुम्हें किसी भी मेड की जरूरत है तो बताओ, मैं सभी काम कर दूंगी। लेकिन स्मिथ मना कर देता है। वो फिर भी जबरदस्ती उसके बर्तन धोना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। और स्मिथ ये देखकर डर गया था, वो उसे लेकर फौरन पड़ोस जॉन के घर जाता है, क्योंकि जॉन एक डॉक्टर है और वो उसकी मरहम पट्टी करता है। जिसके बाद सभी लोग बैठकर साथ में लंच करते हैं। लेकिन वहां पर साइमन, जो कि एली का भाई है, वो म्यूजिक सुनना शुरू कर देता है और उसे अपने खाने को भी फिनिश नहीं किया था, इसलिए उसके डैड उस पर भड़क जाते हैं और इस बात से एली काफी नाखुश हो जाती है। वो उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है और यहाँ पर एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। लेकिन स्मिथ सभी को शांत कराता है और वो समझ जाता है कि जॉन की फैमिली से ज्यादा उसकी बनती नहीं है, और फिर वहां से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे एली भी आती है और उसे सिगरेट मांगती है। दोनों स्मोक करते हैं और अपने अतीत के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एली बताती है कि मेरे डैड इन सब चीजों का जिम्मेदार मुझे मानते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे घर पर वो चोर आए थे उस समय मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिस वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए और मुझे बचाने के चक्कर में मेरी मॉम ने अपनी जान गंवा दी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, वो बस अपना रिश्ता निभाने के लिए मेरे साथ है। वो स्मिथ से उसके बारे में भी पूछती है, हालांकि वो किसी को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन आज वो एली को बता देता है कि वो अपने बेटे की स्कूल ट्रिप से वापस आ रहा था और उनकी कार सीधा खाई में जाकर गिर गई, जिसमें मेरी बीवी, मेरे बच्चे दोनों मारे गए, और बदनसीबी है कि मैं उसमें बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन न जाने ऊपर वाले ने मुझे क्यों जिंदा रखा। ये बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके बाद वो उसके घर चलने को बोलती है तो वो उसे सीधा अपने घर लेकर आ जाता है, जहां पर वो उसकी कैब देने के लिए जाता है। लेकिन एली कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती है, तो इसमें तो उसके लिए कॉफी बनाने चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो बिना कपड़ों के खड़ी है और उसे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं थी। लेकिन स्मिथ उसको ऐसा करने से मना करता है और उसके कपड़े पहना देता है, पर एली को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो चाहती थी कि वो दोनों करीब आए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो कहती है कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता, सभी लोग उसके डैड की तरह। कभी कभी तो वो खुद को मारने की भी सोचती है, लेकिन सिर्फ अपने भाई के लिए रुक जाती है। अब स्मिथ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उस हालात में नहीं हूँ कि तुम्हें सहारा दे सकूँ, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं। ये बोलकर वो उसे गले से लगा लेता है और वहाँ से जाने को कह देता है। पर उसके जाने के बाद उसे एली के लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकता है। कुछ दिन बाद मेड फिर से उसके घर आती है और यहाँ एली भी अब पहुँच चुकी, और यहाँ एली भी उसके घर के बाहर खड़ी थी। दोनों को साथ में देखकर स्मिथ उन्हें कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर एली कल के लिए स्मिथ से माफ़ी मांगती तो उसे माफ़ भी कर देता है। जब उसे सिगरेट मांगती है तो वो मना कर देता है। उन दोनों की बातें काफ़ी अजीब होने लगती है, इसलिए वो मेड वहाँ से चली जाती, जिसके बाद एली स्मिथ से कहती है कि चलो हम वॉक पर चलते हैं, अगर तुम फ्री हो तो मुझे एक अच्छी जगह पता है। अब स्मिथ मान जाता है और फिर दोनों ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। बीच में उन्हें वही रेंजर मिलता है जो एली से पूछता है कि ये इंसान कौन है। वो कहती है कि ये मेरे डैड के दोस्त हैं और हम लोग ट्रैक के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद वो चले जाते हैं। ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लंबी चढ़ाई करने के बाद एली स्मिथ को लेकर एक टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहां से व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। वो दोनों व्यू को एंजॉय करते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वो यहाँ पर बचपन में काफी आया करती थी, जब उसके साथ कुछ बुरा होता था, और तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि मेरी आंख पर किसने मारा है, तो वो असल में मेरे डैड ने मुझे पंच किया था। वो मेरे साथ अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार वो हमेशा मुझे ही मानते। अब यहाँ स्मिथ उसे दिलासा देता और समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ एली उसके हाथ को किस करने लगती है। ये देखकर इसमें समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगी, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता। और काफी देर होने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन बीच जंगल में स्मिथ भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों करीब आ जाते।
पर तभी इसमें देखता है कि जॉन उसके सामने ही बैठा हुआ है बोट पर, और यहाँ एली भी अपने डैड की आवाज सुन लेती है, इसलिए दोनों वहां से फौरन अपने अपने घर आ जाते। लेकिन एली स्मिथ को डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, उसकी अब तबीयत भी खराब होने लगी थी और डर के मारे उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती। वो अपने सामानों को पैक करने लगता है क्योंकि अब यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। लेकिन तभी गेट पर जॉन दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता, कहीं जॉन ने उसे साथ में देख तो नहीं लिया। लेकिन वो तो उसे असल में डिनर के लिए इनवाइट करने आया था, लेकिन स्मिथ बताता है कि वो सिटी जा रहा है। पर जॉन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ डिनर के लिए चला जाता है। वहां जाने पर जब वो एली को देखता है तो सभी को बताता है कि वो डरबन के लिए निकलने वाला है, जहां जाकर वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगा। तो एली कहती है कि क्या तुम दूसरी शादी करने वाले हो, और ऐसा बोलते हुए वो उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है और बार बार उसे उकसाती है, ये कहकर कि तुम अपने स्कार की वजह से कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, हमेशा तुम ऐसे ही अकेले रहोगे। वो दरअसल उसे खुद की इंपॉर्टेंस बताना चाहती थी, और उसके इस बर्ताव की वजह से जॉन उसे माफी मांग। अब यहाँ वो एक तरह से इस जगह पर फंस चुका है। फाइनली डिनर हो जाता है और डिनर के बाद वो सीधा अपने घर आ जाता है। लेकिन स्मिथ के जाने की न्यूज सुनकर एली काफी उदास हो जाती, क्योंकि अगर वो चला गया तो वो एक बार फिर से अकेली पड़ जाएगी। वो स्मिथ को चाहने लगी थी, इसलिए अगली सुबह वो उसे मिलने के लिए जाती है। यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनकी मेट देख लेती है और उसे नीचे बुलाती है। वो स्मिथ को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो वो जॉन को जाकर सब कुछ सच बता देगी, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ देर बाद वहां जब स्मिथ निकलने वाला होता है, तभी जॉन आ जाता है और उसे बताता है कि साइमन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब वो कैसे मना करता, इसलिए उसके साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता। उधर एली हर जगह पर साइमन के पोस्टर चिपकाती है, वहां नदी में भी लोग उसे ढूंढने और दूसरी तरफ नदी में भी कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे, क्या पता वो नदी में डूब कर मर गया हो। लेकिन यहाँ उसका कोई आता पता नहीं चलता, शायद वो अपने इस परिवार से दूर भाग गया हो जो उसे हर रोज बेवजह तकलीफ दे रहे थे। एली को भी यही लगता है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं। अब यहाँ से घर जा रहे स्मिथ को वही रेंजर दोबारा मिलता है, जो उसे अपनी कार में बैठने को बोलता है और फिर उससे कहता है कि तुम एली के काफी करीबी दोस्त हो, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि सॉरी, ये सही समय नहीं है उसे ये बात करने का। ये बोलकर वो कार से उतर जाता है और यहाँ से चला जाता है। मतलब ये रेंजर भी एली से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन जब स्मिथ बीच पर होता है तो वहाँ एली भी आती है, उसके साथ बात लेने लगती है। किनारे पर आने पर वो उसे रोते हुए कहती है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे अपने साथ कहीं दूर ले चलो, अगर मैं यहाँ पर रही तो खुद को ही मार डालूंगी। अब वो उसे कुछ जवाब दे पाता कि तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो उन्हें साथ में ऐसी हालत में देख लेता है। पर इतने में एली वहाँ से भाग जाती है, स्मिथ भाग नहीं पाता और वहीं रह जाता है। अब वो पानी से बाहर आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी इन्हें ऐसी हालत में देखेगा तो समझ जाएगा कि ये क्या कर रहे थे। और गुस्से में आकर जॉन वहीं पड़ी लकड़ी से उस पर हमला कर देता है, जिससे उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन स्मिथ कैसे भी करके खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाता है, और जब घर आता है तो देखता है कि वहां पर लंगूर बैठा है, जिसने अगर उसे काट लिया तो वो कुछ ही घंटों में मर भी सकता है, इसलिए वो उसे बचकर ऊपर जाने लगता है। पर इतने में वहां जॉन आ जाता है। अब दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन स्मिथ जॉन पर भारी पड़ने लगा था, और इतने में वो मंकी जॉन को ही दो जगह पर काट लेता है, इसकी वजह से उसकी हालत अब खराब होने लगी थी। और इतने में स्मिथ को पता चल जाता है कि इस लंगूर को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने उसे काट लिया तो वो मर सकता है, इसलिए पहले तो वो उसे मारता है और फिर वहां से भागने लगता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि वो रेंजर और एली दोनों वहां पर पहुंच चुके थे। एली अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोती है, क्योंकि पहले ही वो अपने भाई को खो चुकी है, इसलिए वो दोनों उन्हें उठाकर गाड़ी में रखते हैं और फौरन सिटी की ओर निकलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले रेंजर स्मिथ से कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। पर दूर खड़ी एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ जाए, अपने डैड के साथ या फिर अपने प्यार के साथ। उसने काफी देर सोचकर कार में बैठना सही समझा, क्योंकि अभी डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कोई नहीं है। अब इस समय पर तो वो जैसे भी है उसके डैड ही है, और ये देखकर स्मिथ पूरी तरह से टूट जाता है। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी पर लगे इस घाव को ठीक करा, पर एक और घाव अब उसकी जिंदगी में लग जाएगा। उधर एली भी अच्छा फील करने लगी थी, उसे एक साथ ही मिल गया था, लेकिन शायद इन दोनों की किस्मत में इतना ही प्यार लिखा था। पर यहाँ हमें एक और चीज पता चल गई है, आप चाहे जैसे भी हालात में हो, अपनी जिंदगी में खुश हैं या दुखी हैं, आपको बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि आपको दिल से प्यार कर सके, जिसके बाद धीरे धीरे चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। वेल, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।